यार वीडियो तो मैं भी अच्छे बना रहा हूँ, सही से टाइटल डाल रहा हूँ, सही से डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ, टैग भी अच्छे डाल रहा हूँ, लेकिन उसके वीडियो पे हजारों व्यूज़ कैसे जा रहे हैं और मेरे वीडियोस पे इतने कम व्यूज़ क्यों आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नित्या और आज के इस वीडियो में आपके इस सवाल के जवाब देने वाला हूं जो काफी यूट्यूबर्स के मन में होता है। जी हाँ दोस्तों, आप जब भी यूट्यूब चैनल बनाते हैं, जब भी यूट्यूब चैनल बनाने के बारे में सोचते हैं, तो आप यूट्यूब पर देखकर ही किसी न किसी से इंस्पायर्ड हुए रहते हैं। उसके आप वीडियोज देखते हैं, वो कैसे वीडियोज बना रहा है, कैसे वीडियो अपलोड कर रहा है, कैसे वो पैसे कमा रहा है यूट्यूब से, इन सारी चीजों से आप इंस्पायर होकर अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं। लेकिन जब आप काफी वीडियोस अपलोड कर देते हैं, जब आपके वीडियोस पे व्यूज नहीं आते, तो आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि यार मैं भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, अच्छे वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, टाइटल सही से डाल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन सही से डाल रहा हूं, टैग भी अच्छे यूज कर रहा हूं, लेकिन उसके वीडियो पे हजारों व्यूज कैसे जा रहे हैं और मेरे वीडियोज पे इतने कम व्यूज क्यों आ रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, ये काफी एक्सपीरियंस के बाद आदमी सीखता है और मैंने अपने 5-6 सालों के बाद ये सारी चीजें सीखी हैं, तब जाके मुझे समझ में आया है कि किसी चैनल पे इतने व्यूज क्यों जाते हैं और किसी चैनल पे व्यूज इतने कम क्यों आते हैं। ऐसा नहीं है कि उस चैनल पे व्यूज नहीं आएंगे, वो चैनल ग्रो नहीं होगा, लेकिन आज मैं आपको सीक्रेट बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि इसका असली कारण क्या है। यहां पे दोस्तों मैं लेता हूं अपना मोबाइल फोन और अपने मोबाइल फोन को सबसे पहले यहां पे स्क्रीन पे ले आता हूं। अभी आप स्क्रीन पे मेरे मोबाइल फोन को देख पा रहे होंगे। यहां पे मैं ओपन करता हूं यूट्यूब और यूट्यूब में ओपन करूंगा मैं ट्रेंडिंग पेज। अब दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता है, उनको मैं बता दूं कि ट्रेंडिंग पेज जो होता है, वहां पे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा वीडियोस पे जो व्यू आते हैं वो ट्रेंडिंग में चला जाता है। और अभी आप जितने भी वीडियो देख रहे हैं, ये सारे ट्रेंडिंग के वीडियो हैं, मतलब कि कम से कम समय में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 दिन में 10 मिलियन व्यू गया है इस वीडियो पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 दिन में 16 मिलियन गया है, 16 घंटे में 2 मिलियन गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 दिन में 8 मिलियन, 17 आवर में 1.6 मििलियन, 4 दिन में 16 मिलियन। ये सब जितने भी आप वीडियोस देख रहे हैं ना, ये सब ट्रेंडिंग के वीडियो हैं। जो भी ये वीडियो है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हुए हैं। अब दोस्तों, मैं आपको ये सब क्यों दिखा रहा हूँ, इसका मेन रीज़न समझिएगा। ये जो वीडियो ट्रेंडिंग में जाता है, क्या आपको लगता है कि ये वीडियो ऑटोमेटिक ट्रेंडिंग में चला जाता है? नहीं, इसको यूट्यूब के स्टाफ जो होते हैं, जो यूट्यूब के स्टाफ जो बैठे होते हैं, वो वीडियो को देखते हैं कि कौन सा व्यूअर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वॉच कर रहा है, और जिस वीडियो को वो देखते हैं कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा देखा जा रहा है, उस वीडियो को ये ट्रेंडिंग में डाल देते हैं। अब दोस्तों, ये सारा खेल यूट्यूब का ही है। आपको लगता है कि किसी ने वीडियो बनाया और वो रातों रात फेमस कैसे हो गया, उसके वीडियोस कैसे चल गए? यूट्यूब क्या करता है कि आपके चैनल को देखना शुरू करता है कि आप अपने चैनल पे कितने वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, किस तरीके से अपलोड कर रहे हैं, आप रेगुलर अपलोड कर रहे हैं कि नहीं, आप अपने वीडियोज में कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है यूट्यूब यहाँ पे चेक करता है। अब दोस्तों, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। क्या आप जानते हैं कि YouTube को यहाँ तक पता होता है कि आपने अपने वीडियो में कितनी मेहनत की है, आपने अपने वीडियो में एडिटिंग में कितनी मेहनत की है, किस तरीके से उसे शूट किया है, किस तरीके से उस वीडियो को बनाया है, कितने आपके एफर्ट्स लगे हैं उस वीडियो में? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि YouTube के पास एक ऐसा टूल है जिसमें वो आपके चैनल को जब डालता है तो उसे A to Z चीज़ें पता चल जाती हैं कि आपके वीडियो में कितनी मेहनत की गई है, आपके चैनल पे आपकी कितनी कंसिस्टेंसी है, कितना मेहनत आप चैनल पे कर रहे हो, किस तरह से आप मेहनत कर रहे हो, मतलब एक्चुअली आप अपने चैनल को लेके सीरियस हो कि नहीं हो। दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं जो चैनल तो बना देते हैं, कुछ भी वीडियो तो अपलोड कर देते हैं और उनको लगता है कि मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा। आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ना, तब ऐसे केस में आप कुछ भी वीडियो अपलोड करते हो और वो वायरल हो जाता है। नहीं तो नॉर्मल केसेस में मैं आपको बता रहा हूं कि आपको वीडियो पे आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना आप वीडियो को समय देंगे, जितना आप एडिटिंग में समय देंगे, जितना आप टाइटल डिस्क्रिप्शन में समय देंगे, जितना आप अपने थंबनेल को समय देंगे, उतना वो वीडियो को यूट्यूब को पता चलेगा कि आपने अपने वीडियो पे कितना मेहनत किया है। अब एक चीज़ और आपको बताता हूँ, आप कुछ दिनों से वीडियोज अपलोड कर रहे हैं,
आप देख रहे हैं कि एक महीने हो गए मेरे वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो आपको मन करता होगा यार क्या वीडियो अपलोड करूं, अब तो कोई वीडियो अपलोड करने से फायदा नहीं है। लेकिन यूट्यूब के पास जो एल्गोरिथम है, जो यूट्यूब के पास स्टाफ है, वो 24 घंटे किसी ना किसी चैनल को चेक कर रहे हैं, और हर स्टाफ्स की कैटेगरी अलग अलग है, टेक्निकल की कैटेगरी अलग है, कुकिंग की कैटेगरी अलग है, इंटरटेनमेंट की कैटेगरी अलग है, म्यूजिक की कैटेगरी अलग है, वो 24 घंटे बैठे हुए हैं चैनल्स को रिव्यू करने के लिए। और आपका वीडियो आपने बहुत बार देखा होगा दोस्तों कि किसी किसी चैनल पे नॉर्मल व्यूज जा रहे हैं, 5 व्यू 10 व्यू 15 व्यूज आ रहे हैं, अचानक क्या होता है कि उसकी कोई वीडियो बूस्ट हो जाती है, किसी वीडियो पर 20,000 30,000 व्यूज जाना शुरू हो जाता है। अब जब वो वीडियो बूस्ट होती है ना, तो वहीं से आपको समझने की जरूरत होती है कि इस टाइप का कंटेंट मेरे चैनल पे चल रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि उसी टाइप का कंटेंट, जैसे वो वायरल हुआ, अब आप उसी टाइप का कंटेंट जब बनाना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिक बूस्ट मिलने लगता है चैनल को। तो दोस्तों मैं आपको अगर बताऊं सही ढंग से, तो आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। एक छोटी सी कहानी है, आप इस कहानी को सुन के आपको समझ में आ जाएगा कि आपको YouTube पे किस तरीके से काम करना है। और अगर आप YouTube पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपको इस कहानी से पता चलेगा कि किस प्रकार सक्सेस मिलती है। दोस्तों ये कहानी मैंने कहीं पे पढ़ी थी। दो दोस्त हैं, ठीक है, दो जानवर दोस्त हैं, एक हथनी थी और एक कुतिया थी, बिच, ठीक है, वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुतिया जो होती है, बिच जो होती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और वो हथनी भी जो होती है वो भी प्रेग्नेंट रहती है। अब कुतिया जो है हथनी से बोलती है कि यार मैं तो प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मेरे बच्चे होने वाले हैं, ठीक है। हथनी भी बोलती है कि वाह बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अब 3 महीने के बाद कुतिया जो होती है 5 बच्चों को जन्म देती है, ठीक है। 5 बच्चों को जन्म देने के बाद वो हथनी से जाए कहती है, बहन बहन मैंने 5 बच्चों को जन्म दिया है। हथनी बोलती है कि वाह बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो। 3 महीने के बाद फिर वो 5 बच्चे का जन्म देती है, फिर वो हथनी के पास जाती है, हथनी हथनी तेरा बच्चा हुआ क्या, मैंने तो 5 बच्चे को 3 महीने पहले जन्म दिया, फिर मैंने 5 बच्चों को जन्म दे दिया, 10 बच्चों को उसने जन्म दे दिया, और हथनी का बच्चा अभी तक नहीं हुआ है। फिर वो जाती है, वो पूछती है फिर कि हथनी बहन आपका बच्चा हुआ क्या, मैंने फिर 3 बच्चों को जन्म दिया है। तो हथनी ने उससे एक बात कही, जो बात आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये कितनी बड़ी बात है। हथनी उससे बोलती है कि देख, तेरे बच्चे में और मेरे बच्चों में बहुत अंतर है, तूने 9 महीनों में 15 बच्चों को जन्म दिया, उन बच्चों की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरा जब बच्चा होगा ना तो वो हाथी का बच्चा है, वो जब जमीन पे गिरेगा ना तो पूरी जमीन हिलेगी, वो जब रोड से गुजरेगा ना तो लोग रुकेंगे, लोग कहेंगे अरे यार देखो वो हाथी का बच्चा जा रहा है, और तूने दिया है कुत्ते के बच्चे, वो रोड पे कुचले जाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, तो मेरे में समय लगेगा, मेरी चीजें बड़ी होंगी, लेकिन जब होंगी ना तो ऐसी होंगी कि लोग उसे एडमायर करेंगे, जब देखेंगे तो बोलेंगे कि वाह यार ये क्या चीज है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अच्छी चीजें समय लेती हैं। हो सकता है कोई सक्सेस हो गया हो, छोटे मोटे चैनल पे किसी ने सक्सेस पा ली हो, लेकिन आपको अगर बड़ा सक्सेस पाना है ना तो आपको इंतजार करना होगा, लोगों से कंपेयर नहीं करना है खुद को कि वो सक्सेस हो रहा है मैं क्यों नहीं सक्सेस हो रहा हूँ, मेरी वीडियोस क्यों नहीं चल रही हैं, उसकी वीडियो क्यों इतनी चल रही है, चलने दीजिए जिसकी वीडियो चल रही है, लेकिन जब आपकी वीडियो चले ना तो लोगों को लगना चाहिए कि अरे यार ये क्या चीज़ है, लोग उसे शाबाशी दें, लोग देखें तो उसकी तारीफ करें कि यार देर से आए लेकिन क्या चीज़ लेके आए। तो चीज़ें जब समय लेती हैं ना तो आप समझें कि वो आपको एक बड़े मुकाम पर ले जाना चाहती हैं। जब जीवन में आपके कष्ट आता है ना, जब दुखें आती हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान आपको और ऊंचे लेवल पे पहुंचाना चाहता है, और बड़ा बनाना चाहता है, तभी आपके जीवन में दुख आया है। जो रेस का घोड़ा होता है उस पे जो उसका मालिक बैठा होता है, जब रेस में वो दौड़ता है तो उसे कोड़ों से मारता है, जो कोड़े होते हैं उसे कोड़ों से मारता है, घोड़े को लगता है यार मुझे कष्ट क्यों हो रहा है, मुझे ये आदमी मार क्यों रहा है, दुख क्यों दे रहा है,
वो जो घोड़ा चलाने वाला है वो घोड़े को जिताना चाहता है, फर्स्ट नंबर पे ले आना चाहता है, इसलिए वो उसके शरीर पे वार कर रहा है, उसको मार रहा है, उसको पीट रहा है, उसको दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है। लेकिन वो घोड़ा जब जीत जाएगा ना, वो उसी घोड़े को शाबाशी दी जाएगी, और इतनी शाबाशी दी जाएगी कि ये नंबर वन घोड़ा है, इस रेस में नंबर वन हुआ है। तो जीवन में दुखें आ रही हैं, सक्सेस जल्दी नहीं मिल रही है, तो आप समझिए कि मैं अच्छे राह पे हूँ, मैं कोशिश सही कर रहा हूँ, सही जगह पे हूँ, और अपने ऊपर थोड़ा विश्वास रखिए, और दूसरे से कभी खुद को कंपेयर मत कीजिए। आप यूनिक हैं, आपके जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।